Good morning, friends. A very warm welcome to all of you in Byju's Government Exams Prep Channel. दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं about this day in history, यानी कि 21 नवंबर, जी हाँ, 21 नवंबर की दिनांक से जुड़े उन सभी जरूरी ऐतिहासिक facts और events की जो आपकी सभी आगामी government परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत लाभदायक साबित होंगे और इसीलिए जिनको याद रखना और जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं चर्चा आज की इस दिनांक से जुड़े अपने सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। और पहला फैक्ट हुआ था 1517 में व्हेन द वेरी फेमस सेकंड रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी नोन एज सिकंदर लोदी या फिर निजाम खान का निधन हो गया था। सिकंदर लोदी ने अपने पिता बहलूल लोदी के बाद राज्य संभाला। उनको लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ सुल्तान माना जाता है। सिकंदर लोदी एक साहसी सेनानी थे जिन्होंने सिंहासन हासिल करने के तुरंत बाद दिल्ली साम्राज्य राज्य की शक्ति को बचाने और विस्तार करने के लिए काम करना शुरू कर दिया। वह अपने बड़े भाई बरबाक के खिलाफ थे जिसको उन्होंने कैदी बना लिया और जिसके इंडिपेंडेंट लॉर्ड के रूप में स्थापित होने के वो सख्त खिलाफ थे। सिकंदर लोदी ने हुसैन शर्की ऑफ जौनपुर को हरा के बनारस और उसके सशस्त्र बल की शक्ति प्राप्त की। इस तरीके से पूरा जौनपुर उनके हाथ में चला गया। वर्ष 1495 में बिहार वॉज ऑल्सो इफेक्टिवली कॉन्कर्ड बाय सिकंदर लोदी एंड ही सेलेक्ट his own particular officers to take care of the work of the organization of that place. Sikandar Lodi is also credited with founding the modern city of Agra. Rajyapalon, Rahison aur Raj ke vibhinn asangathit ghatkon par kadi nigrani rakhne ke liye gupt gatividhiyon ki ek kushal vyavastha sthapit ki gayi. The records of different officers were completely checked and instances of theft and burglary were strictly punished. Ek bahut hi kushal aur nipun shasan tha inka. His reign was clouded by only one problem, जिसको माना जाता है कि उनकी religions के प्रति intolerance या फिर religious bigotry. उन्होंने अपने राज्य को कई गुना विस्तार किया by adding Chanderi, Dholpur and Gwalior. He extended his support to the educated and literary people और उन्होंने कई सराहनीय संस्कृत के कामों को, संस्कृत की रचनाओं को Persian language में भी translate करवाया। उनका निधन वर्ष 1517 में हो गया और इनके पुत्र इब्राहिम लोदी ने इनके पश्चात राज्यकाल संभाला। इब्राहिम लोदी का नाम तो हम सभी ने सुना है भारतीय इतिहास के पन्नों में, कितना चर्चित नाम है ये, बिकॉज फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को बाबर द्वारा पराजित किया गया था और ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। विद दिस दोस्तों चल के देखते हैं कौन सा दूसरा फैक्ट आज हमारे पास है और ये हुआ था वर्ष 1899 में व्हेन द वेरी वेल नोन लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड अ वेरी रिमार्केबल फिगर इन इंडिपेंडेंस मूवमेंट हरे कृष्णा मेहताब वॉज बोर्न। हरे कृष्णा मेहताब जिनका जन्म 21 नवंबर को वर्ष 1899 में हुआ था, वो बालासोर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से संबंध रखने वाले एक प्रसिद्ध लीडर थे ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस और उनका योगदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। वर्ष 1936 में उड़ीसा प्रोविंस बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट बिफोर इंडिपेंडेंस टू बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। यहाँ ये बात का आप सख्त ख्याल रखिए कि इंडिपेंडेंस के पहले यानी कि पूर्व उड़ीसा था वो पहला स्टेट जिसको बनाया गया था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस वर्ष 1936 में, लेकिन इंडिपेंडेंस के पश्चात 1953 में जो पहला स्टेट बना था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस यानी कि अकॉर्डिंग टू द लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन दैट वाज आंध्र प्रदेश एंड दिस वाज डन इन द ईयर 1953। वर्ष 1921 में हरे कृष्णा मेहताब ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1923 में वह कटक से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक प्रजातंत्र के संपादक बने जो बाद में एक दैनिक समाचार पत्र के रूप में उभर के आया। He has also edited the monthly known as झनकार। उनको याद किया जाता है for being the first and the youngest man from Odisha to become a member of the working committee of AICC। 1930 में वह उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने और उसी वर्ष सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के कारण उनको जेल में डाल दिया गया। कारावास के दौरान उन्होंने वाल्मीकि रामायण का उड़िया में अनुवाद किया और द भगवद गीता के उड़िया गद्य संस्करण
का निर्माण किया. He was the chief minister of Odisha from the year 1946 to 1950 and once again for another term during 1956 to the year 1961. उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर का पद भी संभाला था इन द नेहरू गवर्नमेंट. उनको उत्कल केशरी के नाम से अक्सर बुलाया जाता है, यानी कि इनको टाइटल दिया गया है उत्कल केशरी का. डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब ने महात्मा गांधी के साथ कुछ समय बिताया. उनसे मुलाकात के पश्चात इनकी विचारधारा और ज्यादा पक्की होती चली गई टूवर्ड्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल. और गांधी जी के प्रिंसिपल्स, आइडियाज और फिलोसफी को ये समय समय पर लिखते रहे, प्रकाशित करते रहे थ्रू हिज पब्लिकेशन नोन एज रचना. हरिकृष्ण मेहताब ने गवर्नर के पद पे भी काम किया फॉर बॉम्बे प्रोविंस इन द ईयर 1955 टू 1956. डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब वॉज ऑल्सो द प्रेजिडेंट ऑफ साहित्य अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी एंड ललित कला अकेडमी ऑफ ओडिशा. ही वॉज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ ओडिशा ओलंपिक एसोसिएशन. ही इज ऑल्सो रिमेम्बर्ड एज द फाउंडर ऑफ एन इंग्लिश डेली जिसका नाम था ईस्टर्न टाइम्स, जिसको बाद में बंद कर दिया गया था और उसके बाद पुनः शुरू किया गया था फ्रॉम 1972 ऑनवर्ड्स एज अ वीकली. उनके द्वारा लिखी गई कुछ किताबें बहुत ही फेमस हैं, जैसे कि गन मजलिस, द हिस्ट्री ऑफ ओडिशा एंड नूतन धर्म. विद दिस फ्रेंड्स चल के देखते हैं कौन सा अगला आज का जरूरी फैक्ट है हमारे पास. और ये हुआ था 1963 में व्हेन द वेरी फर्स्ट रॉकेट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम द थुम्बा नियर तिरुवनंतपुरम केरला और रॉकेट का नाम था नाइकी अपाचे. आज की दिनांक यानी कि 21 नवंबर को वर्ष 1963 में एक छोटा रॉकेट टेक ऑफ कराया गया था फ्रॉम थुम्बा, जो कि तिरुवनंतपुरम के आउटस्कर्ट्स में केरला में स्थित है. एंड दिस इवेंट अनाउंस द बर्थ ऑफ मॉडर्न स्पेस एज इन इंडिया. नाइकी अपाचे, जिसको कि एग्रो B-13 भी बुलाया जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका, वायुसेना और नासा द्वारा उपयोग के लिए एरोलैब्स द्वारा विकसित एक 2-stage US साउंडिंग रॉकेट था. इसका वजन था 715 केजी और पेलोड कैरिंग कैपेसिटी थी 30 केजी. इट रीच्ड एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 207 किलोमीटर्स. इसकी लॉन्च का उद्देश्य था फॉर प्रोबिंग द अपर एटमॉस्फेयर. इट वाज अ पॉपुलर रॉकेट ड्यू टू इट्स चीप कॉस्ट एंड एबिलिटी टू बी फायर्ड फ्रॉम एनी लोकेशन अक्रॉस द ग्लोब. नासा ने कई लोकेशंस में से इसको लॉन्च किया था. द नाइकी अपाची वाज यूज्ड टू कैरी अ वैरायटी ऑफ पेलोड्स टू स्टडी अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स इंक्लूडिंग रेडियो एस्ट्रोनॉमी, मेट्रोलॉजी, एरियोनॉमी, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, प्लाज्मा फिजिक्स एंड सोलर फिजिक्स. विद दिस देखते हैं कौन सा अगला फैक्ट है आज हमारे पास, जो कि हुआ था 1970 में जब भारत के जाने माने फिजिसिस्ट और नोबेल प्राइज विनर सी वी रमन जी का निधन हो गया था. सी वी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को आधुनिक तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था. वह एक शानदार छात्र थे और वर्ष 1902 में चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के लिए उन्होंने एडमिशन लिया था मात्र सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में. उन्होंने वित्तीय सिविल सेवा परीक्षा में भाग लिया और सफलता प्राप्त की. वो भारतीय वित्त विभाग में शामिल हो गए. बट स्टिल उनकी रुचि और उनका रुझान वॉज ऑलवेज इन टू डूइंग रिसर्च एट द इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंसेज इन कलकत्ता, जिसको कि हम IACS के नाम से भी बुलाते हैं. जब भी उनके पास एडिशनल समय बचता था अपनी पढ़ाई के और नौकरी के साथ, वो रिसर्च में समय बिताते थे और इस कारण उन्होंने पेपर्स पब्लिश किए जो कि इंटरनेशनल जर्नल्स थे, जैसे कि नेचर एंड फिजिक्स रिव्यू. उनकी रिसर्च के क्षेत्र थे अकूस्टिक्स एंड ऑप्टिक्स. इट वॉज एट द IACS इंस्टीट्यूट दैट रमन अलोंग विद हिज अदर कोलैबोरेटर्स डिस्कवर्ड व्हाट इज नाउ कॉल्ड द फेमस रमन इफेक्ट. इस डिस्कवरी का उद्देश्य था टू डेमोन्स्ट्रेट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू डिफरेंट मीडियम्स, और इस डिस्कवरी को किया गया था 28 फरवरी 1928 में. दिस इफेक्ट प्रूव्ड द क्वांटम नेचर ऑफ लाइट एंड इट हैड ह्यूज वैल्यू एट दैट टाइम. रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी वाज बेस्ड ऑन दिस फिनोमेना. कॉन्सिक्वेंटली फरवरी 28 इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल साइंस डे इन इंडिया सिंस 1987 एनुअली टू ऑनर दिस डिस्कवरी डन बाय सीवी रमन. अपनी इसी डिस्कवरी के लिए उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इन द वर्ष 1930. ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों कि ही वाज द फर्स्ट इंडियन, फर्स्ट एशियन एंड द फर्स्ट नॉन व्हाइट पर्सन टू विन अ नोबेल प्राइजेस इन द कैटेगरी ऑफ साइंसेस. वर्ष
1933 में वो पहले इंडियन डायरेक्टर बने थे ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज इन बैंगलोर एंड ही वाज द इंस्टीट्यूट्स डायरेक्टर टिल 1937 एंड द हेड ऑफ द फिजिक्स डिपार्टमेंट टिल 1948 इन द ईयर 1948 इन्होंने स्थापना करी रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की इन बैंगलोर इस इंस्टीट्यूट को स्थापित करने का मेन उद्देश्य भी था टू डू वेरियस एक्सपेरिमेंट्स इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स ही कंटिन्यू टू डू रिसर्च इन दिस इंस्टीट्यूट अंटिल हिज डेथ इन 1970 21 नवंबर 1970 की दिनांक को 82 वर्ष की उम्र में इनका निधन बैंगलोर शहर में हुआ था इनको और भी कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है जैसे कि फ्रैंकलिन मेडल इन द ईयर 1941 जो कि दिया जाता है फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट यूएस के द्वारा भारत रत्न भी इनको मिला था इन द वर्ष 1954 जो कि भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है एंड ही वाज आल्सो अवार्डेड द लेनिन पीस प्राइज इन द ईयर 1957 इसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स देखते हैं कौन सा अगला फैक्ट है आज के दिन से जुड़ा और ये हुआ था 1996 से शुरू व्हेन एनुअली द वर्ल्ड टेलीविजन डे इज ऑब्जर्व्ड संयुक्त राष्ट्र का यूएन विश्व टेलीविजन दिवस प्रतिवर्ष 21 नवंबर को दुनिया भर के कई स्थानों में मनाया जाता है ऑन 17th डिसंबर 1996 द यूएन पास्ड अ रेजोल्यूशन टू सेलिब्रेट 21st नवंबर एनुअली एज द वर्ल्ड टेलीविजन डे ये दिन मानता है कि टेलीविजन विभिन्न मुद्दों को प्रस्तुत करने में प्रमुख भूमिका निभाता है जो लोगों को प्रभावित करते हैं और उनकी ओपिनियंस को मोल्ड भी करते हैं विश्व टेलीविजन दिवस सरकारों संगठनों और व्यक्तियों की प्रतिबद्धताओं और नवीनीकृत करने का दिन है जो समाज को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों और घटनाओं के बारे में निष्पक्ष जानकारी प्रदान करने में टेलीविजन मीडिया के विकास का समर्थन करता है ऑल्दो द वर्ल्ड टेलीविजन डे इज नॉट अ पब्लिक हॉलिडे बट स्टिल इट कंटिन्यूज टू बी अ ग्लोबल ऑब्जर्वेंस ऑन दिस डे द इम्पोर्टेंस ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम्स अक्रॉस द ग्लोब इज हाइलाइटेड यूनाइटेड नेशंस द्वारा कुछ ऑफिशियल भाषाएं रिकॉग्नाइज करी गई हैं जिनके मीडियम से ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं यूएन के वीडियोस अक्रॉस द वर्ल्ड ये भाषाएं हैं जैसे कि इंग्लिश हिंदी फ्रेंच स्पेनिश अरबिक चाइनीज रशियन किस्वाहिली एंड पोर्चुगीज आधुनिक टेलीविजन के सबसे बड़े योगदान है ब्रेकिंग न्यूज की कवरेज देना क्रिटिकल मिशंस के बारे में बताना महत्वपूर्ण ग्लोबल इश्यूज की कवरेज भी करना और करंट घटनाओं को लोगों तक देश विदेश में पहुंचाना अगर बात टेलीविजन के इन्वेंशन की करी जाए तो आप जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स कि वर्ष 1921 यानी कि वर्ष 1921 में पहली बार फाइलो टेलर जो कि अमेरिका से संबंधित हैं उन्होंने किया था टेलीविजन का आविष्कार अब अगर थोड़ी सी चर्चा भारत के संदर्भ में भी कर ली जाए तो 15 सितंबर 1959 की दिनांक को भारत सरकार ने दूरदर्शन यानी कि जिसको हम डीडी बुलाते हैं उसको लॉन्च किया था एज अ पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर इन दिल्ली व्हेन इट स्टार्टेड डीडी वाज स्टिल अ पार्ट ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो एंड इसका इनॉग्रेशन किया गया था द देन प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा विद ऑल दीज फैक्ट्स फ्रेंड्स अब चल के देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हमारे पास हैं इन पे बेस्ड एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सेज हु वाज द फादर ऑफ सिकंदर लोदी कौन थे सिकंदर लोदी के पिता ऑप्शंस आपके पास कुछ इस प्रकार हैं ए इब्राहिम लोदी बी बहलुल लोदी सी बरबाक या फिर डी मलिक सुल्तान शाह लोदी द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हु इज नोन बाय द टाइटल उत्कल केशरी किसको बुलाया जाता है उत्कल केशरी के शीर्षक द्वारा ऑप्शंस हैं हरे कृष्णा मेहताब बी डी एन देव सी नित्यानंद कनुनगो या फिर डी मेहंदी नवाज जंग अगला सवाल आपसे कहता है कि दूसरा नाम क्या है नाइके अपाचे रॉकेट का ऑप्शंस कुछ इस प्रकार आपके पास हैं कि ए एग्रो बी 13 बी रोहिणी RH-75 सी RH-200 या फिर डी SLV-3 द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन व्हिच कैटेगरी डिड सीवी रमन विन द नोबेल प्राइज इन द ईयर 1930 किस क्षेत्र में जीता था नोबेल प्राइज सीवी रमन जी ने वर्ष 1930 में ऑप्शंस हैं ए रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री बी भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स सी मेडिसिन यानी कि चिकित्सा या फिर डी इकोनॉमिक साइंस या फिर अर्थशास्त्र नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कौन से इन्वेंटर ने डेवलप किया था फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन सिस्टम किस आविष्कारक ने की थी ये खोज सारे ऑप्शंस आपके पास कुछ इस प्रकार है कि ए
Philophanes Wirth, B. Eugene Pauli, C. Lewish Edwin, D. A.A. Polyumordvinov. Next question kehta hai, which was the first Indian state pre-independence? Yani ki swatantrata ke purv kaun sa tha wo pehla Indian state jisko ki bhashai aadhar pe create kiya gaya tha in the varsh 1936. Options aapke paas hai A. Andhra Pradesh, B. Odisha, C. Tamil Nadu ya fir D. West Bengal. With all these questions and interesting facts, aaj ke session ko main yahi samapt karti hu. Is aasha ke saath ki hamare sabhi doston ko ye session bahut labhdayak aur bahut mahatvapurn laga hoga. Aur agar aapko ye session pasand aaya to friends please channel ko like aur subscribe zarur aap kijiye kyunki tabhi pahunch payenge hamare latest videos ke notifications jaldi se jaldi aapke paas. With this I sincerely thank all of you for being a part of today's session with us.